चलिए, तो अब आपको हम बता रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। एक बात बताओ, हार्मोन कहाँ बनता है? आपको पता है कि हार्मोन टारगेट सेल पे एक्ट करता है, लेकिन बनता है सोर्स सेल में। और सोर्स सेल कहाँ होता है? तो ग्लैंड्स में होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड, मिक्स्ड ग्लैंड, हेटरोक्राइन ग्लैंड, उसके जो एंडोक्राइन सेल होते हैं वहां बनता है हार्मोन। तो सोर्स सेल में बनता है, टारगेट सेल पर एक्ट करता है। तो इस बीच ट्रांसपोर्ट किससे होता है? आप लोग बताइए। ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड से, और ब्लड में तो वेरियस कंपोनेंट है, आपको पता ही है, ब्लड में तो वेरियस कंपोनेंट है। तो ब्लड में वो हार्मोन किस तरीके से डिजॉल्व होके आया सोर्स सेल से टारगेट सेल के पास? ब्लड में तो कई सारे कंपोनेंट है, ब्लड में तो वाटर है, ब्लड में तो प्रोटीन है, ब्लड में लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट है, आयन है, सॉल्ट, सब कुछ। ब्लड में किस तरीके से डिजॉल्व होके आया, इसी बात पर डिपेंड करेगा कि हार्मोन का एक्शन कैसा होगा। तो देखिए भाई साहब, हार्मोन दो तरीके का होता है। किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोल्युबिलिटी इन ब्लड। हो सकता है कि वो ब्लड में वाटर में डिजॉल्व हो गया हो, तो हार्मोन कहलाएगा वाटर सोल्युबल हार्मोन। कैसा हो जाएगा? वाटर सोल्युबल हार्मोन। हो सकता है कि वो लिपिड में डिजॉल्व हो गया हो, तो वो कहलाएगा लिपिड सोल्युबल हार्मोन। लिपिड सोल्युबल हार्मोन। अब बस आपको दो बातें याद रखनी है, कौन कौन वाटर सोल्युबल हार्मोन है। तो ऑल प्रोटीनेसियस हार्मोन, और इधर बोलूंगा मैं ऑल स्टेरॉइड हार्मोन। बस एक बात का एक्सेप्शन आ जाएगा, इधर क्या बोलूंगा? ऑल प्रोटीनेसियस हार्मोन एक्सेप्ट थायरोक्सिन। थायरोक्सिन वाटर सोल्यूबल नहीं है, जबकि प्रोटीनेसियस हार्मोन है, लेकिन वो वाटर सोल्यूबल नहीं है। और इधर बोल दूंगा ऑल स्टेरॉयड हार्मोन प्लस थायरोक्सिन, यानी कि स्टेरॉयड हार्मोन तो सारे लिपिड सोल्यूबल है, लेकिन थायरोक्सिन भी लिपिड सोल्यूबल है। ठीक है, तो अब सोल्युबिलिटी के व्यापार हार्मोन दो प्रकार का, वाटर सोल्यूबल और लिपिड सोल्यूबल। ठीक है, वाटर सोल्यूबल क्या होगा? वाटर में डिजॉल्व होगा, और लिपिड सोल्यूबल क्या होगा? लिपिड में डिजॉल्व होगा। सिंपल सा बात है। चलो बताएगा अभिषेक, अभिषेक बताएगा। लगता है ज्योति का नेटवर्क प्रॉब्लम है, और किसी को प्रॉब्लम हो रहा है क्या? पीबी लिखो, तो अगर नहीं हो रहा है तो एनपी लिखो, जल्दी करो। हाँ, इरहान को नो प्रॉब्लम, रिभा को नो प्रॉब्लम, ज्योति अभी भी प्रॉब्लम है? नो सर, बीच में हुआ था, बीच में हुआ था। चलो अभिषेक बताएगा, वाटर और लिपिड में कौन पोलर है और कौन नॉन पोलर है? सर लिपिड पोलर है। तुम रहने दो, तुमसे नहीं होगा, नॉन पोलर तुमसे नहीं होगा। अरे नॉन पोलर, अगर देखो पोलर आंसर नहीं है तो नॉन पोलर ही आंसर होगा। ठीक है, पोलर अगर आंसर नहीं है तो नॉन पोलर ही ना आंसर होगा। इतना ज्यादा सीरियस एक्सप्रेशन देने से आंसर सही नहीं हो जाएगा, पढ़ाई करने से आंसर सही होगा। ठीक है, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है और ये पोलर सॉल्वेंट है, बायोमोलिकुल में भी बताया था। ठीक है, चलिए चलो अगला सवाल तुम्ही से अभिषेक। सेल मेम्ब्रेन पोलर है या नॉन पोलर है? सेल मेम्ब्रेन पोलर है या नॉन पोलर है? एक ऑप्शन चूज करना है, पोलर और नॉन पोलर में। सेल मेम्ब्रेन पोलर या नॉन पोलर है? पोलर है सर। बाकी लोगों को हंसी आ रहा है इसका जवाब सुन के? सर डबल लेयर लिपिड होता है सर, हाँ, जिसमें टेल अंदर रहता है, हाँ, हेड बाहर रहता है, हाँ। तो ये मैं नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ सेल पोलर या नॉन पोलर, सेल मेम्ब्रेन। सर नॉन पोलर है। पोलर नहीं हुआ तो नॉन पोलर तो आंसर होगा ही ना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। ठीक है, हाँ चलिए। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जो हमारे सेल्स होते हैं, ये सेल, इसमें बायोलिपिड लेयर इस तरीके से अरेंज होता है, याद है आपको? इस तरीके से अरेंज होता है,
तो उसमें एक छोटा सा पार्ट होता है पोलर ये वाला, और एक लंबा पार्ट होता है नॉन पोलर। तो सेल मेम्ब्रेन को हमने मेनली क्या बोला था, नॉन पोलर। सेल मेम्ब्रेन नॉन पोलर होता था, बताया था, याद है? तो अब मुझे बताइए कौन सा हार्मोन डायरेक्टली सेल के अंदर घुस जाए और कौन सा हार्मोन को सेल के अंदर घुसने में प्रॉब्लम आएगा। एक तो है वाटर सोल्यूबल हार्मोन और एक है लिपिड सोल्यूबल हार्मोन। और आपको पता है कि जो हार्मोन वाटर सोल्यूबल है वो खुद भी पोलर होगा तभी वो वाटर में सोल्यूबल है, और जो लिपिड सोल्यूबल हार्मोन होगा वो खुद नॉन पोलर होगा तभी वो लिपिड में सोल्यूबल है। ठीक है, तो चलिए रिभा, रिभा बताएगी कौन सा हार्मोन सेल के मेम्ब्रेन के अंदर घुसने में प्रॉब्लम फेस करेगा, कौन डायरेक्टली घुसेगा सेल के मेम्ब्रेन के अंदर। वाटर सोल्यूबल प्रॉब्लम फेस करेगा और लिपिड सोल्यूबल प्रॉब्लम फेस कर सकता है, क्योंकि ये लंबा सा सेगमेंट है नॉन पोलर सेल मेम्ब्रेन में पढ़ाया है, और ये अलाउ करेगा केवल नॉन पोलर सब्सटेंस को अंदर जाने से। तो लिपिड सोल्यूबल हार्मोन तो डायरेक्टली अंदर आ जाएगा, लेकिन वाटर सोल्यूबल हार्मोन बाहर ही रह जाएगा। तो जो टारगेट सेल पे एक्ट करना था, इसका मतलब क्या वाटर सोल्यूबल हार्मोन एक्ट नहीं कर पाएगा? करेगा, उसके लिए अलग इंतजाम है। और लिपिड सोल्यूबल हार्मोन चूंकि डायरेक्टली अंदर घुस जाता है तो उसके एक्शन का अलग इंतजाम है। अब समझ में आया मैंने प्रोटीन का नेचर इतना डिटेल में क्यों समझाया? मतलब जो जो भी प्रोटीनेसियस हार्मोन है थायरोक्सिन को छोड़ के, वो सभी सेल के बाहर ही रह के अपना काम कर लेगा, और जो जो भी लिपिड के बने हुए हैं और साथ में थोड़ा थायरोक्सिन भी, वो सेल के अंदर जाके अपना काम निपटाएगा। यानी कि आपको मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन में दो तरीके के एक्शन पढ़ने हैं, एक तो वाटर सोल्यूबल के और एक तो लिपिड सोल्यूबल के। पहले आपको हम पढ़ाने वाले हैं वाटर सोल्यूबल हार्मोन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है, कि ये एक्शन कैसे करता है। चलो मैं बढ़िया सा एग्जांपल ले लेता हूँ वाटर सोल्यूबल हार्मोन का, मतलब प्रोटीनेसियस हार्मोन का, जो आपकी एनसीईआरटी ने लिया है। एग्जांपल ले लूँ FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, ये एंटीरियर पिट्यूटरी का एक हार्मोन है। कहाँ का हार्मोन है? एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन। कैसा होता है जल्दी बताओ, ग्लाइकोप्रोटीन नेचर, तो प्रोटीन है ना, प्रोटीनेसियस है। मैंने आपको क्या बोला कि इसका सोर्स सेल तो क्या हो गया भाई, इंटीरियर पिट्यूटरी, वहां से आया ये एंटीरियर पिट्यूटरी इसका सोर्स सेल। एक्ट कहाँ करेगा, इसका टारगेट सेल कौन है? तो मैं आपको वही दिखाने जा रहा हूँ कि इसका टारगेट सेल कौन है। ये देखिए उसका ये सेल मेम्ब्रेन है, और आपको पता है सेल मेम्ब्रेन में बायोलिपिड लेयर होता है, तो ये लीजिए सेल मेम्ब्रेन मैंने बना दिया, उसके अंदर ये न्यूक्लियस है, ठीक है। और आपको पता है कि सेल मेम्ब्रेन में बायोलिपिड इस तरीके से अरेंज होगा, ठीक है, होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब मैं कह रहा हूं कि ये हार्मोन FSH कैसा हार्मोन है, ये तो प्रोटीनेसियस हार्मोन है भाई, ग्लाइकोप्रोटीन नेचर का है, तो ये तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर नहीं जा सकता। अच्छा आपको मैं बताऊं सारे हार्मोन के टारगेट सेल आपको पढ़ते पढ़ते याद हो जाएंगे। जैसे इसका नाम है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये हार्मोन मेल फीमेल दोनों में पाया जाता है। मेल में इसका टारगेट ऑर्गेन होता है सर्टोली सेल के अंदर, सॉरी सेमिनिफेरस ट्यूबुल के अंदर पाया जाने वाला जर्म सेल, ठीक है, मेल में। और फीमेल में होता है फॉलिकुलर सेल। क्या होता है फॉलिकुलर सेल, क्या होता है जर्म सेल, वेट करो 5-6 दिनों में रिप्रोडक्शन में मैं बता दूंगा, ठीक है। तो अभी मैं कह रहा हूं कि ये मान लो फीमेल के ओवेरियन सेल, फीमेल के ओवरी में जो ओवेरियन फॉलिकुलर होता है, ओवेरियन फॉलिकल उसका मेम्ब्रेन है ये, ठीक है। तो ये कौन सा सेल है, ओवेरियन ओवरी में पाया जाने वाला फॉलिकुलर सेल, फॉलिकुलर सेल, और ये उसका सेल मेम्ब्रेन है। तो मैंने क्या बोला, सेल मेम्ब्रेन ऑफ, सेल मेम्ब्रेन ऑफ ओवेरियन फॉलिकुलर सेल। ये क्या है, टारगेट सेल ऑफ, ये टारगेट है किसका, FSH का, टारगेट सेल ऑफ FSH। FSH यहाँ पे एक्ट करता है फीमेल में, इन फीमेल। एनसीईआरटी ने ये डायग्राम आपको समझाया, मेल में भी FSH का टारगेट सेल होता है, याद रखना, ठीक है। तो एक सेल है, ठीक है, उसका सेल मेम्ब्रेन। अब FSH आया, प्रोटीनेसियस हार्मोन है, मान लो ये FSH है, ये लाला क्या है, FSH है। ये FSH जब आया तो इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी ये अपना काम करेगा। तो कैसे करेगा, तो समझना, ये इसका रिसेप्टर पाया जाता है कहाँ, ये तो सेल मेम्ब्रेन का सरफेस देख रहे हो ना, याद करो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, हेलो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, हेलो। तो इस सेल मेम्ब्रेन के बाहर कुछ एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है जो इस हार्मोन के लिए रिसेप्टर बन गए हैं। क्या बन गए हैं, देखो खांच है ना रिसेप्टर का, हार्मोन के लिए क्या बन गए हैं, रिसेप्टर बन गए हैं। तो ये हार्मोन यहाँ जाके बाइंड कर गया, तो ग्रीन वाला तो क्या था, ग्रीन वाला था हार्मोन रिसेप्टर, ठीक है।
और रेड वाला उसमें हार्मोन आके बाइंड कर गया, तो पता है क्या बना, पता है क्या बना, अब बना हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स HRC। अब मुझे बताओ ये जो हार्मोन रिसेप्टर है कैसा रिसेप्टर है, सेल के बाहर या सेल के अंदर? तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर, सेल के बाहर है ना, एक्स्ट्रा सेलुलर हार्मोन रिसेप्टर है। पता है कैसे होते हैं नेचर में? अरे प्रोटीन के बने होते हैं ये, प्रोटीनेसियस हार्मोन रिसेप्टर है, ये भी प्रोटीन के ही बने होते हैं। हार्मोन रिसेप्टर सारे के सारे प्रोटीन के ही बने होते हैं। मुझे बताओ ये सेल के बाहर है, सेल के सरफेस पर है, क्या इसको हम सरफेस बाउंड रिसेप्टर भी बोलेंगे? हाँ बिल्कुल बोलेंगे, सरफेस बाउंड रिसेप्टर। क्या इसी को हम मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर भी बोलेंगे? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन से बाउंड है, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर सब एक ही रिसेप्टर का नाम है। सेल के बाहर तो एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर प्रोटीन का बना है, प्रोटीन हार्मोन रिसेप्टर, सरफेस बाउंड रिसेप्टर, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, ठीक है। और जब उसके साथ हार्मोन बाइंड किया, हार्मोन आया कहां से? सेंट्रल पिट्यूटरी से, ब्लड के माध्यम से, कहां? ओवरी के फॉलिकल सेल के पास। और जब ओवरी के फॉलिकल सेल पर बाइंड कर गया तो क्या बना? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। जैसे ही हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना तो सिग्नल आ गया अंदर, वो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना तो सेल मेम्ब्रेन के जरिए सिग्नल आया अंदर, और अंदर आते ही एक पर्टिकुलर केमिकल बना। ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स अंदर आया तो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स अंदर आते ही एक मैसेंजर बनाया जो सेल के अंदर मैसेज देगा कि बाहर हार्मोन आया है। देखो हार्मोन जो खुद आया FSH, वो है प्राइमरी मैसेंजर, वो भी मैसेंजर ही तो है एक सेल से दूसरे सेल के बीच का, वो प्राइमरी मैसेंजर। अब चूंकि वो अंदर नहीं जा पाया तो अपना मैसेज दे दिया किसको? रिसेप्टर को। रिसेप्टर ने अंदर में एक केमिकल बनवाया जिसका नाम है सेकेंडरी मैसेंजर, जिसका नाम है सेकेंडरी मैसेंजर। किसने बनवाया? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स ने, HRC बना ना, उसने बनवाया हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। बताओ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का बनना ये पहला रिस्पॉन्स है कि नहीं सेल के द्वारा? फर्स्ट रिस्पॉन्स, ये पहला रिस्पॉन्स है कि नहीं है? और कौन होता है यहाँ पे सेकेंडरी मैसेंजर? तो वो होता है साइक्लिक AMP, शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग CAMP, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, और थोड़ा बहुत रोल कैल्शियम प्लस टू का भी होता है, ज्यादा रोल नहीं होता है, मेन रोल होता है साइक्लिक AMP का। अब ये साइक्लिक AMP क्या करेगा? जो प्रोटीन बनने वाले एंजाइम है, हेलो ट्रांसलेशन पढ़े हो ना, ट्रांसलेशन में बहुत सारे एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, जो 12th वाले बच्चे नहीं है घबराओ मत, 12th में पढ़ा देंगे। ट्रांसलेशन पढ़े हो ना, ट्रांसलेशन, तो ट्रांसलेशन में बहुत सारे एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं जो प्रोटीन बनवाने के लिए जिम्मेवार है। तो इस सेकेंडरी मैसेंजर क्या करता है? प्रोटीन को बनाने वाले एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है। अब जब एक्टिवेट होगा तो बताओ प्रोटीन को बनाने वाले एंजाइम एक्टिवेट होंगे तो प्रोटीन ज्यादा से ज्यादा बनेगा, ट्रांसलेशन का रेट बढ़ जाएगा। तो बताओ ये कैसा चेंज है? ये बायोकेमिकल चेंज है कि नहीं है? अरे बोलो ये क्या है? बायोकेमिकल चेंज मतलब ये मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स है। ये कैसा रिस्पॉन्स है? मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स है, चलेगा, मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स है। अब ये एंजाइम क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन जब बनवाएगा तो बताओ सेल के अंदर अगर प्रोटीन का कंटेंट बढ़ेगा तो क्या ओवेरियन सेल का ग्रोथ होगा कि नहीं होगा? बोलो जल्दी से, ओवेरियन, ओवेरियन सेल का ग्रोथ होगा। और ग्रोथ जब होगा तो फिर ये सेल डिवीजन भी कर सकती है कि नहीं कर सकती है? तो बताओ कुल मिला के ओवेरियन फॉलिकुलर का नंबर बढ़ने लगेगा कि नहीं बढ़ने लगेगा? ओवेरियन फॉलिकल में सेल का नंबर बढ़ने लगेगा कि नहीं बढ़ने लगेगा? मुझे बताओ एक सेल का ग्रोथ होना ये फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। कैसा रिस्पॉन्स है? फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। लेकिन एक सेल के अंदर प्रोटीन का बनना एंजाइम की वजह से वो मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स है। आधी दुनिया तो इसी बात में कंफ्यूजन में है कि ये जो बायोकेमिकल रिस्पॉन्स और फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है ये एक ही है क्या? नहीं, पहले बायोकेमिकल रिस्पॉन्स आया और बायोकेमिकल रिस्पॉन्स की वजह से फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स आया। मुझे बताओ हार्मोन ने अपना काम कर दिया कि नहीं कर दिया? ऐसे करता है हार्मोन एक्ट। आपके लेवल पर एक प्रोटीनेसियस हार्मोन का एक्शन पढ़ाया गया FSH, सारे हार्मोन इसी तरीके से एक्ट करते हैं। अब आप बोलोगे सर NCERT ने यही वाला क्यों पढ़ाया? क्योंकि मैं पढ़ाने वाला हूं आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फीमेल के अंदर बताऊंगा प्राइमरी फॉलिकल, ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं फॉलिकल में, उसमें कई सारे सेल का नंबर बनता है, बढ़ता है तो बनता है सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, फाइनली ग्रेफियन फॉलिकल।
तो ये जो फॉलिकुलर डेवलपमेंट है ये रिप्रोडक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए उसने आपको एफएसएच का रिएक्शन पढ़ा दिया ताकि ट्वेल्थ में भी ये चीज काम आ जाए। ठीक है, तो बोलो क्या एफएसएच कैसे एक्ट करता है, बस समझ में आया? शॉर्ट में फिर से बोलता हूँ, एफएसएच बन के आता है एंटीरियर पिट्यूटरी से, ब्लड के माध्यम से ओवरी के पास पहुंचा फीमेल में, मेल में भी इसका काम होता है, बता दूंगा रिप्रोडक्शन में। ठीक है, अभी फीमेल का समझ लो, पहुंचा ओवरी में, ओवरी में जाके वो कहाँ पहुंचा, ओवेरियन फॉलिकुलर सेल के पास, वो अंदर नहीं जा सकता एफएसएच, क्यों नहीं जा सकता, क्यों, प्रोटीनेसस हार्मोन है, और अंदर नहीं जा सकता तो अपना रिसेप्टर ढूंढ लिया जो सेल मेम्ब्रेन के सरफेस पे, उसको मिल गया, बन गया हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। और हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स पहला चेंज क्या लाया, फर्स्ट रिस्पॉन्स क्या लाया, वो साइक्लिक एएमपी सेकेंडरी मैसेंजर बनवाया सेल के अंदर। और अब साइक्लिक एएमपी क्या किया, प्रोटीन को बनाने वाले सारे एंजाइम को एक्टिव कर दिया, एक्टिवेशन कर दिया, तो अब प्रोटीन बनने लगे, तो ये हुआ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। और अब बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स के बाद क्या हुआ, प्रोटीन जब बने तो सेल का ग्रोथ हुआ, बाद में डिवीजन भी कर देगा, तो हो गया फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। क्या क्लास में बैठे सभी बच्चे को एफएसएच का एक्शन समझ में आ गया, हाथ खड़ा कीजिए जल्दी से, एफएसएच का एक्शन समझ में आ गया तो हाथ खड़ा कीजिए जल्दी से। चलिए क्लियर, ज्योति अगर लैग हो रहा है ना तो वीडियो डाल देंगे, देख लेना, होता है कभी कभी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना सर? तो अभी क्लास कंटिन्यू करे? नहीं, क्लास अब हो गया एंड, क्लास एंड हो गया, ठीक है, वीडियो अपलोड कर देंगे अभी। चलिए तो आप क्या करेंगे, अच्छा इसको मैं एक बार आपके नोटबुक से दिखा देता हूँ, नोटबुक से दिखा देता हूँ, ये देखिए मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। हार्मोन दो प्रकार का, वाटर सोल्युबल, लिपिड सोल्युबल। ये वाटर सोल्युबल नॉर्मली सेल के अंदर नहीं जा सकता, ये सेल के अंदर इजीली जाएगा। एग्जांपल मैंने बता दिया, इधर सारे प्रोटीन वाले थायरोक्सिन को छोड़ के, उधर सारे स्टेरॉइड थायरोक्सिन को लेकर, ये अभी मैं बता रहा हूँ। ये देखो हार्मोन एक्शन का पूरा मैकेनिज्म मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप पढ़ लेंगे इसको, ठीक है। जो वाटर सोल्युबल हार्मोन है उसमें मैंने एफएसएच का एक एक्शन बताया, एफएसएच क्या है, ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, फीमेल के अंदर फॉलिकुलर सेल्स को स्टिमुलेट करता है ग्रोथ के लिए, ठीक है, सही हो गया। अच्छा ये लाइन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगा, कौन ये वाला लाइन, ठीक है, लिपिड के साथ कंपेयर करके समझाऊंगा। अब आओ, मैंने ये जो बोला ना, ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये साइक्लिक एएमपी या कैल्शियम, ये सब क्या है, ये प्राइमरी रिस्पॉन्स है, क्या है ये सब, ये सब सेकेंडरी मैसेंजर है। अच्छा प्राइमरी मैसेंजर कौन है, खुद हार्मोन, खुद हार्मोन प्राइमरी मैसेंजर है, क्योंकि वो भी तो एक सेल से दूसरे सेल तक मैसेज लाया है। साइक्लिक एएमपी ये भी मैसेंजर है, सेल के बाहर से मैसेज सेल के अंदर तक लेके आया, क्योंकि बाहर हार्मोन आया तो एचआरसी बना, एचआरसी साइक्लिक एएमपी बनाया, और यही अंदर में बोला कि बाहर कोई हार्मोन आया है कुछ काम कीजिए, तो ये भी मैसेंजर की तरह किया। लेकिन ये इंट्रा सेलुलर मैसेंजर है और ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैसेंजर है, इंटर सेलुलर बोलो, दो सेल के बीच का। और साइक्लिक एएमपी या फिर कोई भी सेकेंडरी मैसेंजर कैसा है, सेल के अंदर का मैसेंजर है, इंट्रा सेलुलर मैसेंजर है, ठीक है। तो कुछ सेकेंडरी मैसेंजर के एग्जांपल आपको याद रखने हैं, जैसे एक तो अभी मैंने आपको बता दिया साइक्लिक एएमपी और कैल्शियम प्लस टू। तो देखो कुछ पर्टिकुलर हार्मोन के पर्टिकुलर सेकेंडरी मैसेंजर होते हैं, जैसे एफएसएच और एड्रेनालिन, इन दोनों का सेकेंडरी मैसेंजर होता है साइक्लिक एएमपी, ठीक है। थोड़ा बहुत रोल कैल्शियम का होता है लेकिन बहुत माइनर रोल होता है। नेक्स्ट एएनएफ एक हार्मोन होता है, हार्ट से रिलीज होता है। एस्टाइल कोलीन ये भी हार्मोन की तरह एक्ट कर देता है कई बार, ठीक है। और इसका साइक्लिक मतलब कि इसका सेकेंडरी मैसेंजर होता है साइक्लिक जीएमपी, गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, यहाँ एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। इंसुलिन, इसका सेकेंडरी मैसेंजर होता है आइनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट IP3 या कैल्शियम प्लस। तो देखो आपकी एनसीईआरटी ने कैल्शियम प्लस टू यहाँ पे भी लिखा है, तो आप चाहो तो यहाँ पे भी लिख लो, लेकिन एफएसएच में मेनली जो सेकेंडरी मैसेंजर होता है वो होता है साइक्लिक एएमपी, थोड़ा बहुत रोल है कैल्शियम प्लस। और कैल्शियम प्लस टू का मेन रोल कहाँ होता है, इंसुलिन, इंसुलिन का सेकेंडरी मैसेंजर IP3 भी है और कैल्शियम प्लस टू भी है। तो आप चाहो तो सेकेंडरी मैसेंजर याद रख लेना, एटलीस्ट एफएसएच के तो रखना ही रखना क्योंकि ये दोनों भी याद रह जाए तो ठीक है, नहीं तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। एफएसएच के सेकेंडरी मैसेंजर जरूर याद रखना, साइक्लिक एएमपी और थोड़ा बहुत रोल है कैल्शियम प्लस टू का। चलिए आपको हम देते हैं अब होमवर्क,
एनसीईआरटी ने उल्टा पुल्टा लिखा है, ये लास्ट में दिया है मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। तो आपको देखो कहां से कहां पढ़ना है, पेज नंबर 338 पर, हेडिंग नंबर 22.4, वहां पर फर्स्ट लाइन से लेकर लास्ट लाइन पूरा पढ़ लेना, ठीक है। और पेज नंबर 339 पर पहला डायग्राम देख लेना, फर्स्ट डायग्राम, सेकंड डायग्राम कल पढ़ा दूंगा, ठीक है। और कल से चैप्टर रेस में आ जाएगा, मजा आएगा आपको इस चैप्टर में, बहुत मजा आएगा, ठीक है। ये लेना है, ये लिख लो होमवर्क। चलो किसी को डाउट है, किसी को बोलो जल्दी, नहीं है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर। सर नोट सेंड कर दीजिए।